आइए नमस्कार प्रणाम। मैं राजा रणविजय फिर से आ गया हूँ आप सबों के बीच एक और नया हिट वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोगों को आज का जो सॉन्ग मैं बताने जा रहा हूँ वो सॉन्ग का नाम है गवना करवला ये हरी जी। हमारे बड़े भाई लोग हमारे दर्शकों लोगों ने इस गाने को कमेंट किए हैं कि प्लीज आप इस सॉन्ग को बजाइए। तो आइए आज का जो वीडियो है हमारा गवना करवला ये हरी जी भरत शर्मा व्यास जी के हैं। तो आइए और आज मैं इस गाने को जी शार्प स्केल से बताऊंगा। जी शार्प माइनर का ये सॉन्ग है। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्तों के पास आपके सर्किल के पास ये वीडियो जा सके, पहुंच सके ताकि वो भी सीख सके। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं इस गाने को ट्यूटोरियल के माध्यम से। और इस गाने में जो स्वर की प्रयोग हुआ है वो इस प्रकार है। सा इसको मानेंगे यानी जी शार्प को, पंचम को और इसको आप चौथी काली भी कह सकते हैं। माइनर का ये सॉन्ग है यानी 1-4-8 का कॉर्ड लगेगा जिसमें कि कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग हुआ है। ग और नी कोमल है, बाकी सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग हुआ है यानी थाट काफी का ये सॉन्ग है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक लाइन मैं आप लोग को गा करके सुना दूं इस गाने को। और गवना करबला हरी जी अपने पुरु बाबा गई लेरा अपने पुरु बाबा गई लेरा। तो इस प्रकार का ये सॉन्ग है, आप भी इसी अंदाज में गाइए और हो सके तो इससे अच्छा गाइए, इससे अच्छा प्रयास कीजिए। तो आइए इस गाने में जो स्वर की प्रयोग हुआ है वो इस प्रकार है। रे शुद्ध रे ग कोमल ग शुद्ध मा शुद्ध पा के बाद डायरेक्ट में इसमें ध का प्रयोग नहीं हुआ है। ऊपर की सप्तक में इसी सुर का प्रयोग हुआ है और नीचे की ओर में मे बस इतना में ये जो है सॉन्ग हमारा ये बच जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्यूटोरियल के माध्यम से एकदम स्लो स्लो ताकि आप लोग समझ पाए। इस गाने का जो शुरुआत लाइन है गवना करवला वो आपका उठेगा प से। अगर सा इसको माने हैं तो प से उठेगा। गवना गवना शुरुआत यहां से होगा और एंडिंग यहां पे होगा गवना में। गवना करवला सुनो बता रहा हूं। गवना करबला हरी जी एकदम यहां आके रुकेगा नीचे वाली पॉप पे। फिर से गवना करबला अपने 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 पुरुबा बा गई लेरा अपने पुरुबा बा गई लेरा। फिर से गवना करबला पमगम पा
बलाए हरी जिनकी, अपने अपने गुरु बाबा गैला एरा, अपने गुरु बाबा गैला एरा। ये हो गया हमारा मुखड़ा, अब है अंतरा। अंतरा आपका नीचे वाला पस उठेगा। जब जब याद आवे, जब जब याद आवे, ध्यान दीजिएगा, जब जब याद आवे तोहारी सूरतिया, कटला से कटत नहीं खे बिरह के, बिरह के रतिया, कटला से कटत नहीं थे बिरह के रतिया। फिर से बता रहे हैं एकदम और से, जब जब याद आवे, जब जब यहाँ से शुरुआत होगा, आवे में लास्ट इंडिक यहाँ पे कर देना है, यानी सब पे। जब जब याद आवे तोहरी सूरतिया, फिर तोहरी सूरतिया में यहाँ पे रुकेगा, तोहरी सूरतिया कटला से कटत नहीं थे बिरह के रतिया, कटला से कटत नहीं थे बिरह के रतिया। यानी अंतरा का जो पहला लाइन है और दूसरा लाइन है, दोनों का सेम सुर है। अंतरा का पहला लाइन सी गया बजाने के लिए, तो सेकंड लाइन भी वही है। उसके बाद जो अगला लाइन आता है वो फिर आ जाता है क्या, मुखड़ा वाला लाइन, जो मुखड़ा का ट्यून था, और जिया छछन वाला हरी जी, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो मुखड़ा हमने गाया था शुरुआत में सेम उसी का मतलब ट्यून है, गवाना कर वाला हरी जी, है ना। ये मुखड़ा का लाइन हो गया। अब सुनिए अंतरा का क्रॉस लाइन, जिया छछन वाला हरी जी, हो जिया छछन वाला हरी जी, अपने गुरु बाबा गैला एरा, अपने विदेशाबा गैला एरा। तो यही था आज का सॉन्ग। गाना बजाना एकदम नॉर्मल है, सिंपल है, थोड़ा सा बस समझने का फेरा है। देखिए इसमें कितना अलग बजा, जो मैंने मुखड़ा बजाया वही यूज हमारा कहाँ पे हो गया, अंतरा का क्रॉस लाइन में, और जो मैंने अंतरा बजाया है पहला लाइन जो अंतरा बजाया है और दूसरा लाइन अंतरा जो बजाया, दोनों का सेम सुर है, कोई अंतर नहीं। थोड़ा सा बस माइंड लगाने की जरूरत है, बाकी हर एक गाना को आप अपने तरीका से भी बजा सकते हैं, अपने ढूंढ के बजा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं यहां से बजा रहा हूं तो आप यहीं से बजाएं, आप समझने का फेरा बस समझ गए तो आप यहां से भी बजा सकते हैं, उस गाने को यहां से भी बजा सकते हैं, यानी कि कहीं से भी थोड़ा सा समझिए। देखिए जैसे इस गाने को हम यहां से गाते हैं, गवना कर वाला हरी जी, अपने गुरु बाबा गैला एरा, है ना। तो जब बजाने का अनुभव हो जाएगा, सुर का जब पकड़ हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपका थोड़ा सा बस गाइड करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा, और शेयर भी करें ताकि और लोग सीख पाएं और लोग आगे बढ़ पाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।